नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्पोर्टिंग वर्ड्स की इस नई वीडियो पे। आज हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, जिमनास्टिक के ऊपर। तो बनी रही है हमारे साथ। तो यार, अगर आप जिमनास्टिक के बारे में बात करोगे तो कई सारी चीज़ें मैं बता दूँ पहले कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक बैलेंस बनाना, मतलब आप किस तरीके से संतुलन अपना बनाते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कितनी मजबूती है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, आप मतलब हाथ पैर को कितना मतलब फ्लेक्स कर सकते हो, कि आपकी एजिलिटी क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन क्या है, आपका डेडिकेशन क्या है, और आपकी इंड्योरेंस क्या है, कितनी ज़्यादा दूर भाग सकते हो, जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, आपका आप कोऑर्डिनेशन किस तरीके से करते हो, और सारा मूवमेंट हो जाता है हमारा जिमनास्टिक की अगर आप बात करोगे तो। हाथ पैर, कंधे का, बैक का, चेस्ट का, शोल्डर का, मतलब पूरी तरीके से आप शरीर को किस तरीके से आप स्ट्रेच कर सकते हो, वो सारा जिमनास्टिक के अंदर यही सारी चीज़ आती है। अगर आप इसका ओरिजिन देखोगे तो ये ग्रीक से लिया गया है। तो ग्रीक में किस तरीके से घोड़े पे उतरा जाता था, चढ़ा जाता था, और सर्कस में किस किस तरीके के स्किल होते थे, तो वहाँ से ही जिमनास्टिक को लाया गया है। अगर आप इसके बारे में कॉमन फॉर्म की देखोगे तो एक आर्टिस्टिक जिमनास्टिक होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है AG, जो कि जिसके अंदर होता है वुमेन AG, जिसके अंदर इवेंट्स अगर आप देखोगे तो फ्लोर वॉल्ट, इवन बार्स, बीम्स, और मेंस के अगर आप देखोगे तो मेन आर्टिस्टिक जिमनास्टिक के अंदर अगर आप देखोगे तो फ्लोर आ जाएगा, वॉल्ट आ जाएगा, रिंग आ जाएगा, पोमेल हॉर्स आ जाएगा, पैरेलल बार्स आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल बार्स आ जाएगा। अगर आप इसकी ओवरऑल गवर्निंग बॉडी देखोगे जिमनास्टिक की तो वो होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिमनास्टिक, तो जिसका शॉर्ट फॉर्म होती है FID। तो इसके अंदर आप देखोगे तो 8 स्पोर्ट्स तकरीबन आते हैं, जिमनास्टिक फॉर ऑल एक ये होता है, मेन एंड वुमेन, आर्टिस्टिक जिमनास्टिक के अंदर रिदमिक जिमनास्टिक आता है, और ट्रम्पोलिन जिमनास्टिक आता है, टम्बलिंग और एक्रोबैटिक और एरोबिक एंड पार्कोर भी इसके अंदर आते हैं। तो पार्कोर तो जैसे ही आप जानते ही होंगे, दीवार पर चलना आपने देखा भी होगा TV पे, तो उस तरीके का पार्कोर होता है। तो ये सब किसके अंदर आता है, जिमनास्टिक के अंदर आता है, और ये हाँ ओलंपिक्स के अंदर एक ऑफिशियल गेम है। तो आप ये मत सोचिएगा कि कुछ भी हो रहा है, और ये चीज़ मैं दिखा भी देता हूँ, जिमनास्टिक जो हमारे समर ओलंपिक्स में, उसमें ये ऑफिशियल गेम है जिमनास्टिक। तकरीबन अगर आप इसे देखोगे तो तकरीबन जब से खेला जा रहा है, मॉडर्न हमारे ओलंपिक्स खेले जा रहे हैं, तब से जिमनास्टिक उसके अंदर है। तकरीबन वो 1896 के खेले जा रहे हैं एथेंस से, तब से वो इसके अंदर है। अगर आप वुमेंस के बारे में देखोगे तो वुमेंस खेलना शुरू हुई थी 1928 में, जब उन्हें खेलने की अनुमति मिली थी। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो रिदमिक जिमनास्टिक के बारे में, जिसकी मैंने बात करी थी, वो 1984 में खेला गया था, जो कि लॉस एंजलिस में था, और ट्रम्पलिन हमारा 2000 में ही शुरू हुआ है, जो कि सिडनी में हुआ था पहली बार। तो ये थे समर ओलंपिक्स में जिमनास्टिक के बारे में। इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ कुछ बेनिफिट्स, अगर आप जिमनास्टिक करते हो या आप पेरेंट्स देख रहे हो आप बच्चों को क्यों खिलाए, तो उसके रीज़न मैं दे सकता हूँ। सबसे पहले यार, इसकी इससे क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे आप आजकल देख सकते हो बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, हल्का सा झुकना भी पड़ता तो उन्हें दर्द हो जाता, कुछ हो जाता, तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी आती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी मोटर स्किल तकरीबन जैसे कि होता था बचपन में, हम तो यार डंडे पे भी चलने की कोशिश करते गिर जाते थे, लेकिन उससे क्या होता था, हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव होता था, लेकिन आजकल वो सब ख़त्म होता जा रहा है। तो इसलिए जिमनास्टिक के बारे में लिया जा रहा है, बच्चों को भी जैसे आप देख फोटो में देख सकते हो, बच्चों को भी सिखाया जा रहा है थोड़ा थोड़ा, ताकि ये नहीं कि उन्हें स्पोर्ट्स में ले जाना है, कि इसलिए ताकि उनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मोबिलिटी है, और स्ट्रेंथ है, कंसंट्रेशन बढ़े, उनके अंदर डिसिप्लिन आए, क्योंकि ये बहुत डिसिप्लिन की बात होती है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप जिमनास्टिक की वजह से सीख सकते हो। अगर आप ये कह रहे हो कि यार चलो आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दे दी, लेकिन यार मुझे कुछ बताओ ऐसा यूट्यूब चैनल जिनको मैं फॉलो कर सकता हूँ, तो मैं आपके लिए ले आऊँ नाइल विल्सन का, ये बहुत बढ़िया जिमनास्ट है, और मतलब काफ़ी तरीके से आप देख सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें ये सिखाते रहते हैं, आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप ये कह रहे हो कि यार ये तो थोड़ा इंग्लिश में सब बताते हैं, हिंदी के लिए चाहिए, तो सतीश चौहान है, ये काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, और देसी अपना जैसे घर पे कैसे करें और जिमनास्ट को किस तरीके से फॉलो करें, तो ये भी काफ़ी अच्छा बताते हैं। इन दोनों के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप जिमनास्ट के बारे में और स्पोर्ट्स के बारे में डिटेल न्यूज़ चाहते हो, डेली न्यूज़ चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पे हमारा पेज फॉलो कर सकते हो, स्पोर्टिंग वर्ड्स 2, जिस पर मैं डेली न्यूज़ डालता रहता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो।
ये डेली न्यूज़ मैं यहाँ पे डालते रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना आपको क्या पसंद आया। और जी हाँ, हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं। मैं जो ये सारे मैंने स्पोर्ट्स बताए थे, चाहे वो रिदमिक जिमनास्टिक हो, चाहे वो पार्कोर हो, टर्मलिंग हो, एरोबैटिक हो, एनरोबिक हो, और ये जितने भी स्पोर्ट्स थे, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरीके से होता है, क्या होता है और क्या क्या इसमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तभी मैं आगे की वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।